Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti, Awakening with Brahma Kumaris में आज फिर आपके साथ है और आज फिर बात करेंगे दादी जानकी की. जी हाँ, ब्रह्मा कुमारीज की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और लगभग 75 साल से जो ज्ञान में है, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को उतारा, उनका एक एक शब्द हम सबको बहुत इंस्पायर करता है और उन्हीं के शब्दों को लेकर आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति. ओम शांति. सिस्टर शिवानी, अब बहुत सी फेमिलरिटी है दादी जानकी के साथ, लेकिन बहुत से कई नए लोग भी जुड़ते हैं. हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें दादी जानकी के बारे में कुछ बातें. दादी जानकी नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज, एंड पिछले 3 सालों से जब दादी प्रकाश मणि जी, जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, उन्होंने जब अपना पुराना शरीर त्यागा, देन दादी जानकी बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. उससे पहले वो लंदन में रहते थे और वो इंडिया से बाहर जितने सेंटर्स हैं, 130 कंट्रीज में जितने सेंटर्स हैं, उनके पीछे की मोटिवेटिंग फोर्स रही हैं, ड्राइविंग फोर्स रही हैं. ऑफकोर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट डायरेक्टली वेरी रिस्पॉन्सिबल सारे सेंटर्स जो ऑल आउटसाइड इंडिया खुले हैं, क्योंकि एक एक सेंटर एक फॉरेन कंट्री में खुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है. कहीं कल्चर्स अलग हैं, कहीं तो रिलीजन्स ही अलग हैं, बहुत सारी ऐसी बातों को और चैलेंजेस को क्रॉस करना पड़ता है. एंड शी हैज़ डन इट ओनली विद द पावर ऑफ योगा, विद द पावर ऑफ मेडिटेशन. शी वॉज शेयरिंग वन डे विद अस के जब मुझे पहली बार ये डायरेक्शन मिला कि लंदन जाना है, तो मैंने सोचा इंग्लिश भी नहीं आती, बोलना भी नहीं आएगा, किसी से तो मैं ज्ञान भी कैसे शेयर करूँगी, कुछ भी नहीं शेयर कर सकती. दे डू नॉट अंडरस्टैंड मी एंड आई ऑल्सो डू नॉट अंडरस्टैंड देम, तो मैं करूँगी क्या वहाँ जाकर. तब बाबा ने जैसे कि कहा कि जो बाबा की अनुभूति है वो करानी है, ज्ञान बहुत सारे भाई बहने हैं वो भाषाओं की जरूरत नहीं है, जस्ट विद द पावर ऑफ वाइब्रेशन. और वो हमने इन पिछले 40 वर्षों में देखा, जबकि दादी ये इतने सारे देशों में जाकर ये सिर्फ योग की पावर, वाइब्रेशंस की भासना, उससे ही आत्माओं को परमात्मा से जोड़ दिया है. यू नो इट्स बिकॉज व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ सोल हुज कैरिंग दैट वेरी हाई एनर्जी फील्ड, आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती. यहाँ तक कि होता कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कोर्स किया या ज्ञान का परिचय मिला, उनके मन में बहुत क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, फिर वो बहुत डिबेट करते हैं कई बार, स्पेशली डिफरेंट कल्चर्स में, अलग बिलीफ सिस्टम्स में, तो बहुत डिस्कशंस चलते हैं चलते हैं चलते हैं, एंड इतनी डिस्कशंस होते होते भी क्लैरिटी नहीं आ रही होती, एंड फिर वो दादी से मिलते हैं एंड सारे क्वेश्चंस, एंड फिर वो जब मिलने से पहले सोचते हैं हम दादी से पूछेंगे कि इसका आंसर, इसका आंसर, हाँ, सारी चीज़ें. एंड आफ्टर मीटिंग इट्स द पावर ऑफ साइलेंस जो सारे क्वेश्चंस फिनिश करता है, क्योंकि आप पूछोगे आत्मा क्या है, कैसी है, क्या करे, लेकिन दादी के सामने बैठकर तो आत्मा अनुभव हो जाता है कि वो क्या है. यस, अपने आप को भी, इट्स नॉट ओनली अबाउट हर. व्हेन समवन हु इज सोल कॉन्शियस एंड यू सिट इन फ्रंट ऑफ हर, यू एक्सपीरियंस सोल कॉन्शियसनेस. अभी तक आप डिस्कस कर रहे थे सोल कॉन्शियसनेस, एंड उनकी प्रेजेंस में आप सोल कॉन्शियसनेस, आप परमात्मा के प्यार को अनुभव कर देते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. आई थिंक यू नो एक ऐसा मुकाम जब सारे सवाल गिर जाएंगे, कहा जाता है, क्योंकि अनुभव क्वेश्चन से बहुत ऊपर चला जाता है. तो वही, और आज चलते हैं उनके पास और उनके शब्दों को प्राप्त करते हैं. दुनिया में रहने वाले भाई बहनों को कहते हो भाई मेरे या बहने, संसार में बैलेंस रखो, फंस नहीं जाओ उसमें. योग पहले रहे, कर्म पीछे रहे, संबंध रहे, बैलेंस अच्छा रहेगा. कोई भी सौदा करना होता है, अब ग्रोसरी के दुकान पर जाओ, अच्छा माल बैलेंस अच्छा रखता है, विश्वास बैठेगा, उसके पास ही जाएंगे. चाहे जवारी के पास जाओ, सच्चाई की जो दिल में सच्चाई जो है ना, अच्छी भावना औरों को भगवान के पर बिठाती है. नाम भगवान का लेवे, काम और कुछ करे तो ब्लेसिंग नहीं मिलेंगी. नाम लेवे मैं परमात्मा का हूँ, काम क्या कर रहा है, सोच क्या रहा है, बोल क्या रहा है,
वैसे पहले भी हम कहते भगवान तो अंतर्यामी है, तो सबको जानता है, पर जब बच्चा बनी हूँ तो वो मेरे पर ध्यान रखता है, इसके अंतर में क्या चलता है, क्या करते अंदर, अंदर एक बात दूसरी तो नहीं है। ब्लेसिंग तभी मिलेंगी जब मैं ब्लिसफुल रहेंगी, ब्लेसिंग बैलेंस ब्लिसफुल है जब सदा ही आनंद है। शिवानी, जिस तरह से दादी ने कहा कि बैलेंस, अब यहाँ जो बात दिख रही है बैलेंस, अभी तक हम जब सोचते थे कि बैलेंस मतलब काम में, घर में, यू नो, चारों जो एस्पेक्ट्स हैं, सोशल, फिजिकल, इस तरह की जो लाइफ है उसका बैलेंस, यहाँ आई जस्ट वॉन्ट टू नो किस बैलेंस की बात कर रही हैं दादी। आज दिन तक जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की, मेडिटेशन की, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा, लेकिन हम कहते थे ये सब कब के लिए है, रिटायरमेंट के बाद। अभी और यू नो, अगर कोई करता भी था, आई रिमेम्बर व्हेन इन माय कॉलेज डेज आई स्टार्टेड मेडिटेशन, पीपल वुड से क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, यू नो, कहीं धोखा मिला है, हाँ कुछ हो गया। अभी भी जो भी मेरे फ्रेंड्स और उस समय के सोशल सर्कल वो मिलते, कहते जीवन में कुछ हो गया था जो ये करना शुरू कर दिया। मीन्स इसको, स्पिरिचुअलिटी को जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा कभी नहीं माना, ये सोचा रिटायरमेंट के बाद, या फिर वो लोग इसकी तरफ जाएंगे जो जीवन की नॉर्मल एक्टिविटी से एस्केप करते हैं, रेडी नहीं है फेस करने के लिए, या फिर वो जाएंगे जिनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है। नॉर्मल पीपल डोंट नीड टू गो, तब हमने उसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं माना। आज भी किसी को कहें आप मेडिटेशन सीखें, तो पहले अपने पूरे काम की लिस्ट बताएंगे, ये मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर अगर टाइम मिलेगा तो हम मेडिटेशन करेंगे। मैं कब करूं, मतलब ये मेरे को सुबह तो मेरी जिंदगी ऐसे ऐसे बदल गई होती है। आज कहा पहले योग फिर कर्म, ये नहीं कि मैं कर्म सारे कर लूं फिर अगर टाइम मिलेगा तो योग कर लूंगा, क्योंकि अगर पहले योग फिर कर्म, इट्स लाइक मोबाइल मुझे सारा दिन यूज करना है तो पहले चार्ज देन यूज, नॉट कि नहीं मुझे तो टाइम ही नहीं है उसको थोड़ी देर चार्जर से लगाने के लिए, पहले यूज कर लो फिर चार्ज रात को, नो, पहले चार्ज फिर यूज। तो योग मींस चार्जिंग, योग खत्म नहीं होगा फिर आपका चार्जिंग, यस, बिकॉज देन यू आर ऑलवेज चार्ज्ड इन द होल डे। तो इसलिए दादी ने कहा वो बैलेंस, ये नहीं कि ये करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन का एक इंटेग्रल हिस्सा बन जाए राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, तो तब हम जो भी कर्म करेंगे परमात्मा की याद में रहकर जो भी कर्म होगा वो हर कर्म कितना एक्यूरेट होगा, और उसी को दादी ने इतनी ब्यूटीफुली बताया कि फिर आपके हर कर्म में भी बैलेंस आ जाएगा, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो उन्होंने कहा कि आज कितने लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हाँ जी हम करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम कई बार कोई संस्था का नाम भी ले लेंगे, हम यहाँ यहाँ जाते हैं, लेकिन कर्म कैसा है आपका सारा दिन? और दादी ने बिजनेस का भी एग्जाम्पल लिया कि वहाँ पे आपका कर्म कैसा है, ये तो नहीं कि नाम भगवान का और कर्म कोई और, सोच कोई और, बोल कोई और। तो वो तब होगा जब आप कर तो रहे हैं लेकिन आपने योग नहीं लगाया है, इसलिए आपकी चार्जिंग नहीं हुई है। तो आप फलां संस्था में जा तो रहे हैं लेकिन योग नहीं किया, तो आपके अंदर ताकत नहीं है कि उस चार्जिंग को अपने कर्म में लाने की। फिर आप कहेंगे कि हाँ हम मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन ऑनेस्टी से बिजनेस तो नहीं हो सकता। Yes, you know, there's so much of discrepancy. Then you cannot say that I am practicing spirituality. Then you cannot, because then I do not have the power to practice the normal universal values. बहुत बड़ी बात नहीं है, we are not even saying कि soul consciousness, वो तो एक अलग normal universal values of, you know, honesty, basic, basic, basic values को भी आज हमने कहा कि ये तो possible नहीं है, क्यों? Discharged थे, तो discharged के लिए वो आज हाँ मुश्किल है क्योंकि वातावरण थोड़ा सा challenging है, लेकिन जो charged है, the values should flow, तब हम कहेंगे कि जो जिसका नाम ले रहे हो वो ही फिर thought, word और action में है। तो अपने आप के साथ ये चेकिंग ज़रूर करनी चाहिए कहने के लिए, क्योंकि आजकल मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी भी एक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा सिर्फ बन चुकी है, यू नो, इट्स बिकमिंग लाइक अ स्टेटस सिंबल कि मैं ये मेडिटेशन करता हूँ, आप क्या करते हैं, इट्स बिकम लाइक द इन थिंग आजकल, लेकिन इज़ इट शोइंग इन माई एक्शन, इज़ इट शोइंग इन माई थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, दैट आई हैव टू आस्क माई सेल्फ। सो इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर कॉन्वर्सेशन, इट शुड फ्लो। इनफैक्ट दिस इज वॉट, यू नो, एक और भी जो बात दादी ने बोले कि ऑनेस्टी,
ऑनेस्ट रहना इस जो पूरा एस्पेक्ट है, तो उसमें क्या हम ऑनेस्ट होते हैं एक्चुअली? हर एक को अंदर पता होता है क्या हो रहा है. आई थिंक अगर हम थोड़ा भी अवेयरनेस में हैं और थोड़ा भी अगर हम कह रहे हैं कि हम अपने आप को देखते हैं, तो हर एक को पता है कि मैं ऑनेस्ट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ. अगर इवन हम छोटी सी बात को थोड़ा सा घुमा कर करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर फील कुछ और कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, देन दिस इज नॉट ऑनेस्टी. प्रोजेक्ट कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट्स नॉट ऑनेस्ट. बट देन वी ऑल नो इट इनसाइड कि हम क्या कर रहे हैं. लेकिन वही उन्होंने कहा, जितने सच्चे रहेंगे उतना फिर उसके साथ कनेक्शन और अच्छा लगता रहेगा. ऑब्वियसली द जर्नी बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल. वेरी ट्रू. कुछ और बातें भी साथ सुनते हैं. मैंने भगवान को कहा मुझे अच्छा चला रहे हो, तो मुझे कहा चल रही हो तब चला रहा हूँ, तुम चल रही हो तब चला रहा हूँ. हर बात में देखेंगे ना, हमारे पुरुषार्थ के बिगर भगवान भी क्या करेगा. अगर मेरे ऊपर ऑनेस्टी नहीं कहूँगी मेरे में, वो कहेगा ये मेरा बच्चा है. अगर मेरे में ईमानदारी है, वफादारी है, आज्ञाकारी हूँ, जो फरमान करे मैं हाजिर हूँ, तो ब्लेसिंग मांगने से नहीं, एक में ब्लेसिंग मिलती है, प्यार में शक्ति मिलती है, फिर मिलता है वरदान. हो जाएगा बच्ची, ये वरदान है. कभी नहीं संकल्प आएगा ये कैसे होगा, वरदान है. मैं इंग्लिश नहीं जानती, मैं कुछ नहीं, हो जाएगा. कोई साथी मिल जाता, स्थान अच्छा मिल जाएगा, धन के लिए कभी सोचा नहीं है कहाँ से आएगा. तुम सेवा भक्ति करते चल, हो जाएगा, हो जाएगा. तुमको क्या करना है, निष्कामी, निर्लोभी, निर्मोही. सिस्टर शिवानी, दादी ने कहा कि पुरुषार्थ करते जाना है. इट्स अगेन जिस स्टेज में आज हम हैं, जहाँ हैं, हमें नहीं मालूम क्या पुरुषार्थ करें, कैसे करें, और कैसे हमें पता चले कि जो हम कर रहे हैं क्या वही सही है. पुरुषार्थ बहुत गहरा है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स टू रीचिंग अ स्टेज वेयर वी आर 100% सोल कॉन्शियस. तो वो एक हमारी जर्नी है. लेकिन इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जैसे एक बहुत बड़ा परिवार अभी जुड़ा है जो हर रोज़ ये टीवी का प्रोग्राम देखता है, ये उनका पुरुषार्थ है. सी, वो उसको एफर्ट कर रहे हैं. बहुत सारे भाई बहनें मिलते हैं जो कहते हैं हम जहाँ भी होते हैं, जो भी कर रहे हैं, हम टाइम निकाल के अपने घर इस प्रोग्राम तक पहुंच जाते हैं. फिर वो पुरुषार्थ करते हैं, वो अपने पास नोटबुक रखते हैं, जो जो उनको परमात्मा के जो ज्ञान की पॉइंट्स हैं वो मिलते हैं उसको लिखते हैं, ये पुरुषार्थ है. फिर वो पुरुषार्थ करते हैं कि नेक्स्ट डे से ही उसको कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशंस में उसको अप्लाई करते हैं. अब जिसने इतना पुरुषार्थ कर लिया उसको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन जिसने कहा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो पहुंच ही नहीं पाता, मैं तो बिजी ही बहुत हूँ, हाँ, फिर उसने कहा भगवान तुम्हें मेरी प्रॉब्लम्स ठीक कर दो, तो वो नहीं होने वाला. दैट इज़ दैट क्लियर डिमार्केशन कि अगर आप सिर्फ कंप्लेंट करते रहेंगे और प्ली करते रहेंगे उसको कि मेरी प्रॉब्लम्स ठीक कर दो या मुझे ही ठीक कर दो, यू नो, इवन ये कहना परमात्मा को मुझे शांति दे दो, चलो प्रॉब्लम कोई नहीं, मुझे शांति दे दो, दैट्स ऑल्सो कि मुझे नहीं कुछ करना पड़े, आप वो पार्सल भेज दो, यू नो, इट्स लाइक दैट. It's not going to happen. A packet of peace, a packet of love. So it's not going to happen without me making effort. अब उसी तरह जब हम इस विद्यालय में सबसे पहले आते हैं तो हमें कुछ बेसिक मर्यादाएं पता चलती हैं, बेसिक कुछ कि कैसे हम इस यात्रा पर चलें. तो फर्स्ट चीज़ हमें पता चली कि रोज़ मुरली सुनो. तो जैसे रोज़ टीवी का प्रोग्राम ये देख रहे हैं, टेक वन स्टेप फॉरवर्ड कि अब रोज़ मुरली सुननी शुरू करो. दिस विल ऑल्सो बी योर पुरुषार्थ. फिर था रोज़ उतना समय निकाल कर मेडिटेशन करो. दिस विल बी योर पुरुषार्थ. फिर था भोजन की थोड़ी परहेज करो कि अगर आपको अपने मन को प्योरीफाई करना है तो अन्न भी प्योर होना चाहिए. नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव एनर्जी का अन्न खाया, फिर कहा योग नहीं लग रहा क्योंकि पुरुषार्थ नहीं किया. तो पुरुषार्थ नहीं किया, रिजल्ट नहीं मिलेगी. ये छोटी छोटी बातों पर. फिर सारा दिन पर अटेंशन रखो कि ये नहीं कि जो स्टडी किया, जो पावर भरी, वो जाते ही लीक हो गई. अटेंशन कि मेरा थॉट, वर्ड, एक्शन कैसा होना चाहिए. अब जिसने ये पुरुषार्थ कर लिया उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग योग कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा. नेक्स्ट डे मॉर्निंग योग अच्छा लगेगा,
चार्जिंग अच्छी होगी, फिर ये बेसिक पुरुषार्थ भी करेगा तो सेकेंड डे कैसा बीतेगा, और भी अच्छा बीतेगा, देयर यू आर ऑन अ जर्नी। लेकिन जिसने कहा नहीं मेरे पास तो सुबह टाइम नहीं है, नहीं मेरे पास तो उठने के लिए भी, यू नो आई एम नॉट टू टायर्ड, मैं नहीं उठ के मेडिटेशन कर सकता, सेंटर पे जाना, मैं संडे को जाऊँगा, तो देन फिर रिजल्ट भी उतना ही मिलेगा। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि बिना पुरुषार्थ के रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो दादी ने कहा कि परमात्मा ने भी कहा तुम चल रहे हो तो ही तो मैं चला रहा हूँ, तो आई जस्ट क्रिएटेड अ सीन कि एक पिता का हाथ पकड़ के हम चलना सीखते हैं, लेकिन अगर एक बच्चा बैठ जाए और कहे मुझे चलना ही नहीं है तो पिता भी क्या करेगा, वो तो अपना हाथ तो दे रहा है, लेकिन हम भी तो उठे ना चलने के लिए, हम कहे मुझे चलना ही नहीं, तो उन्होंने कहा परमात्मा भी क्या कर सकता है। फिर ये एक बहुत बड़ी बात है कि विदाउट मी टेकिंग दैट वन स्टेप इवन गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प मी। और जो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल ये कहा कि तीन बातें याद रखनी है, निष्कामी, निर्मोही और निर्लोभी, ये भी बहुत डीप लेवल पे, नॉट सिर्फ सुपरफ्लुअस, यू नो ऊपर ऊपर के लेवल पे, कि निष्कामी मतलब जिसके अंदर कोई कामना नहीं, डिज़ायर नहीं, इवन डिज़ायर भी ये नहीं कि मुझे ये मिल जाए, चीज़ें मिल जाएं, लेकिन डिज़ायर कि मुझे आपसे कुछ खुशी मिल जाए, आपसे प्यार, ये भी कामना है। जब तक ये कामना होगी दुख तो कुछ ना कुछ लगेगा ही। निर्मोही जैसे हमने देखा कि अटैचमेंट्स नहीं, डिटैच्ड होके कि दूसरे की स्थिति मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, और निर्लोभी तो पता है जिसको किसी भी चीज़ का लोभ नहीं है, जो अपने आप अंदर में कंटेंट है, तो वो दुखी कभी भी नहीं हो सकता। दादियों की एक एक बात को भी अगर हम ले, सिर्फ एक भी बात को ले लें और उसको अप्लाई कर लें, इट कैन क्रिएट मैजिक। यही मैं कह रही हूँ कि ये निष्कामी, निर्लोभ, ये शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे, ऐसे कुछ नहीं है कि हमने कुछ ऐसे शब्द है जो हमने, लेकिन अब यहाँ से सुन के ऐसा लगता है it is possible, right? See, we feel like doing it. True. Because हम we are on the journey ना, अब आप एक journey पे हो काफी समय से, और आपको ये भी एक programming हो गई है कि जो सुन रहे हैं उसको use करना है। पहले सिर्फ सुनना होता था, आप कहाँ जा रहे हैं, हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, हम कथा सुनने जा रहे हैं, ये अपने अंदर programming कहाँ की थी कि वो सुनने के बाद जो उसकी एक एक बात सुनी है वो इसको यहाँ आकर apply करना है। That was not done. वो हमें पता नहीं था ना, हमारे सामने कोई, I think they come across as examples, you know, who are implementing this. Absolutely. तो अब क्या होता है, अब जैसे ही वो प्रोग्रामिंग हो जाती है तो हम जो जो बात सुनते हैं we know कि ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, सुनना, समझना और फिर उसका स्वरूप बन जाना, bringing it into practical embodiment. और क्योंकि करते करते results भी मिल रहे हैं, तो अब ये भी belief बैठ गया है कि जो सुन रहे हैं वो पॉसिबल तो है, हाँ. वो पॉसिबल है, फिर माइंड वर्क करने ये लग जाता है मुझे इसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ 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 लगा सकता हूँ, अप्लाई, so it doesn't become all very interesting actually, very very interesting. That is why I think हम सब ये जो है इस प्रोग्राम को इतना एंजॉय कर रहे हैं। Absolutely. फिर दादी के पास थोड़ी देर चलते हैं, सुनते हैं उनके। कभी अल्लबेला नहीं बनना, कभी सुस्ती को, सुस्ती ना टल्लाओ, क्योंकि अच्छे काम में सुस्ती आएंगी, बाकी टाइम में फुर्त हो जाएंगे। अच्छा काम करने के लिए हाँ ट्रायल करेंगे, टाइम निकालेंगे, तो इसमें भगवान राजी नहीं होगा। ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग से कितना बल मिलता है, लाइफ क्या से क्या भगवान बना के हमारे हाथों में देता है, तो हमारे पास बाबा कहते हैं स्वर्ग तुम्हारे हाथों में है, कैसे आएगा हमारे हाथों में, कर्म से आएगा ना, कर्म कैसे होगा, पहले हार्ट है, फिर हेड है, फिर हैंड है, मैं चोरी करेंगी या करेंगी, अंदर हार्ट बता दी गलत कर रही हो, कोई मुझे देखे नहीं, कर रही हूँ कोई देखे नहीं, पर दिल तो देख रही है ना अपनी, पर मैं दान कर रही हूँ, हाथ तो यही है, दान करने के समय मेरे कितने दिल में अंदर कोई न देखे, भले मैं माननी चाहिए जितना करो, कराने वाला करा रहा है, पर कोई चोरी ठगी जरा सा करने का ख्याल भी ना आवे, वो ख्याल आया ना तो कराएंगा बुरा काम, वो ख्याल भी ना आए इससे मुक्त हो जाओ,
सदा यही होवे, बस सच्चाई मेरे जीवन की साथी है। तो भगवान कहेगा तो सच्चाई को साथी बनाया है ना, तो सदा मेरा तेरे को साथ है। फिर आप उसके मैजिक देखते चलो, जहाँ भी आप पांव रखेंगे वो घर स्वर्ग बन जाएगा, देश स्वर्ग बन जाएगा। तो शिवानी, जिस तरह से दादी ने शुरू में ही कहा कि सुस्ती नॉट अलाउड, तो अलबेलापन मतलब कि इस प्रोसीजर पे जो पुरुषार्थ की आज हम बात कर रहे हैं, उस पर चलते हुए जब हम थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल या हमारे पास टाइम नहीं होता, दो तरह से केयरलेसनेस और लेजी दो बातें हो गई, एक अलबेलापन एक सुस्ती। एक सुस्ती मीन्स लेजी और अलबेलापन मीन्स केयरलेस। परमात्मा रोज मुरली में हमें गाइडलाइंस देते हैं, क्या सोचना, कैसे सोचना, क्या बोलना, क्या करना। अब उसमें अगर हम अलबेले हो जाते हैं, अलबेले मीन्स हो जाएगा ना, एक दिन में थोड़ी कोई चेंज हो सकता है। अगर आज गुस्सा आ गया सपोज, तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन माई सेल्फ आई से कोई बात नहीं, एक दिन में थोड़ी चेंज हो सकता है। फिर दूसरा अलबेला होगा, बाकी सबको देखो ये तो कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं, ये हुए क्या अभी, तो मेरे को भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो सारी भाषा है ये अलबेलेपन की भाषा है, ये केयरलेस की भाषा है। ये वो बच्चा है जो अपने होमवर्क को पोस्टपोन करता जाता है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा, इसको बाद में कर लेंगे। और लेजी मीन्स तो बेसिक चीज़ों पे ही लेजी, कि पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं है। और जैसे दादी ने कहा कि जो ऐसी बातें होती हैं प्योर और पॉजिटिव, इसमें हम लेजी हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। और जो ऑर्डिनरी और दूसरी, यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग सिंपल चीज़ है, आप एक मूवी देखने बैठ गए, कोई टीवी पे सीरियल देखने बैठ गए, देखते जाते हो, आपके दो घंटे तीन घंटे कब बीत गए आपको नहीं पता। आप मेडिटेशन करने बैठे, आप देखेंगे 10 मिनट हो गए, 15 मिनट। अच्छा, फिर वो सारे काम भी याद आ जाते हैं मूवी के टाइम पे, तो कितनी बार आप सोचे चलो बाद में कर लेंगे। एब्सोल्युटली, हम कोई चटपटी बातें सुनते हैं, कोई गॉसिप की बात सुनते हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई फिक्शन देख रहे हैं, हमें सब कुछ याद होता है। परमात्मा की ज्ञान की बात मुरली पढ़ी, थोड़ी देर के बाद भूल जाती है आज क्या बोला था। सो दिस इज द डिफरेंस, कि जहाँ प्योरिटी है वो यहाँ रिटेन क्यों नहीं होती, और जहाँ इतनी इम्प्योरिटी है वो रिटेन होती है, उल्टा उसको हम और भी इकट्ठा करते जाते हैं। नो गॉसिप में कितना इंटरेस्ट है, और क्या हुआ, और क्या हुआ। ज्ञान की बात में अच्छा ठीक है, मुझे मालूम है मैं कर लूँगा, दैट इज़ दैट डिफरेंस। सो दैट्स व्हाट शी सेज, कि अपनी बुद्धि को, मन को स्वच्छ बनाओ ताकि वो प्योरिटी को भी धारण कर सके। रिटेन होती है क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए बर्तन कौन सा चाहिए, सोने का चाहिए। परमात्मा का ज्ञान भी बहुत प्योर और पावरफुल है, लेकिन बुद्धि आज बहुत सारी दूसरी बातों के कारण थोड़ी कमज़ोर है, उसके अंदर रिटेन ही वो नहीं होते, उस बुद्धि को वही बातों की आदत है। लेकिन ये पुरुषार्थ है, ये ऐसे नहीं होगा ना कि एक ही दिन में आपका शिफ्ट हो जाएगा। जितना आप उस बुद्धि को वो वाली बातें देते जाओगे, और दूसरा आप उस बुद्धि को इन बातों से हटाते जाओगे। ये भी नहीं कि मैंने सुबह आधा घंटा मुरली सुनी और फिर दिन में 4 घंटा तो गॉसिप कर लिया, फिर तो मेरी बुद्धि का लेवल वहीं का वही है। लेकिन धीरे धीरे बूंद बूंद इसको भरा और उधर से किनारा किया, तब बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी और फिर वो केयरलेसनेस लेजीनेस वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो वही दादी ने कहा कि ये अलर्टनेस, तो फिर परमात्मा आपके ऊपर राजी है। और इतना सुंदर उन्होंने कहा कि स्वर्ग आपके हाथ में है, कि आप जो कर्म करोगे, उन्होंने इतना ब्यूटिफुल बताया, हेड हार्ट एंड हैंड, दिस हैज़ टू बी इन हार्मनी। और जो उन्होंने कहा, दिस इज़ समथिंग वी नीड टू रिमेम्बर, कि जब हम कोई गलत कर्म करते हैं तो हमें लगता है कि कोई देखे ना, किसी को पता ना चले कि मैंने ये किया, लेकिन खुद को तो पता है। लेकिन जब कुछ हम अच्छा कर्म करते हैं, जब हम दान करते हैं, तो हम बड़े बड़े उसके बैनर्स लगाते हैं, बोर्ड्स लगाते हैं। तो दादी ने कहा कि जब अच्छा काम भी कर रहे हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सूक्ष्म में गुप्त रूप से वो हो जाना चाहिए। वी शुड नॉट फाइंड द नीड फॉर अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स फॉर वट एवर लिटिल गुड दैट वी हैव डन। दीज आर वेरी 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 स्मॉल थिंग्स, एंड समटाइम्स वी सीम टू बी डूइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ वॉट इज एक्चुअली राइट। तभी तो फिर बुद्धि की क्वालिटी कैसे हो जाएगी, वो दिन ब दिन और भी वीक और तमो प्रधान हो जाएगी। और तब दादी ने कहा, फिर ऐसे जब हो जाओगे तो जहाँ पाँव रखोगे वहाँ स्वर्ग होगा, जिस घर में एंटर करोगे वो स्वर्ग होगा, क्योंकि आपके अंदर स्वर्ग है एक्चुअली। यू हैव क्लीन्ड योरसेल्फ, यस, यू आर फीलिंग सो ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली। तो हर जगह आप जहाँ जाओगे फिर वहाँ स्वर्ग है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और आई थिंक ये हमारे अवेकनिंग के पूरी फैमिली का बहुत बड़ा सौभाग्य है
इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें दादी के वो जो खास ऐसी बातें, और फिर हम आपसे हम उनको शेयर कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, व्हाट एक्चुअली दे मीन, वो हमारे सामने आ रहा है. थैंक यू सो मच. अब इसको ट्राई जरूर करना है. थैंक यू शांति. तो फिर से हम यही कहेंगे कि ट्राई किसे करना है. ट्राई हमें ही करना है जब हमें समझ में आ जाता है. आज भी बहुत सुंदर तरीके से क्लियर बातें. सी अगेन, ये सब बातें हमने सुनी हुई थी लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये हमारे ही लिए है. हर बार हमने सोचा शायद उस कहानी का हिस्सा है, या चलिए पहले होता था. लेकिन आज जब हमने एक ही नहीं कितनी ही अब आत्माओं को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में इन्हें इम्प्लीमेंट करके प्राप्ति की है, अनुभव मिला है, और उसके बाद ज़िंदगी इतनी सुंदर हुई है, तो क्यों ना हम ट्राई करें. जानते तो थे ही, अब कोशिश ही करने की तो ज़रूरत है. तो कोशिश करके देखें, अनुभव ज़रूर मिलेगा. कोई बात मन में है, कोई अनुभव है आपका, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. इफ़ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. आगे फिर मुलाकात होगी. ओम शांति. ओम शांति.